जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा सेना में भर्ती के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 4 साल बाद किया जाएगा सेवा मुक्त, यानी आर्मी में सिर्फ 4 साल के लिए ही होगी भर्ती। इसके तहत भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती की नई प्रणाली में परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा इस अभियान का नाम टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ रखा गया है और जो युवा इस भर्ती के तहत शामिल होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक इसकी रूपरेखा फाइनल कर ली गई है। इसी महीने इसका ऐलान करने की भी तैयारी है। यह तय किया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। बाद में तय किया जाएगा कि इनमें से कितने को परमानेंट किया जाना है और कौन परमानेंट होगा। इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बिठाया जाएगा जो कि सैनिकों की प्रोफेशनल दक्षता के आधार पर उनका चयन करेगा। दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी योजना लागू होने के बाद 4 साल की संविदा सेवा के बाद जो सभी सैनिकों को सेवा मुक्त किया जाएगा, इसके 30 दिनों की अवधि के बाद उनमें से 25% को वापस बुला लिया जाएगा। जिनका प्रोफेशनल दक्षता अच्छी रहेगी उनको फिर से नई प्रणाली से भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, बता दूं कि इनके 4 साल की सेवा में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। अब बात करें दोस्तों इनकी सैलरी की, तो इनको सैलरी हर महीने दिया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सेना से बाहर होने पर न तो पेंशन मिलेगी और न ही ECS जैसी सेवा, लेकिन दोस्तों 4 साल सर्विस के बाद वह जब बाहर आएंगे तो उन्हें 12 से 15 लाख एकमुश्त पैसे मिलेंगे। और वहीं 4 साल की सर्विस के दौरान शहीद हो जाते हैं तो 40 से 50 लाख उनको दिया जाएगा। तो बता दें कि सेना भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण भर्ती नहीं हुए हैं तो युवा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन जो युवा भर्ती के इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार इस साल ख़त्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि जल्द ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और भारी तादाद में भर्ती लिया जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में। जय हिंद, जय गुरुदेव, जय छत्तीसगढ़।